नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आम जनता विद्युत विभाग से जुड़े हुए तमाम मामलों में विभाग के चक्कर काटती रहती है और उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जबकि इन समस्याओं का समाधान एक क्लिक पर ही मिल सकता है। सरकार विद्युत से जुड़ी 26 सेवाएं लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से एक ही विंडो पर उपलब्ध कराती है। छतरपुर के तहसील में स्थित लोक सेवा केंद्र के संचालक कृष्णकांत अर्जरिया ने बताया कि नया कनेक्शन लेने, मीटर बदलवाने, अधिभार बढ़वाने जैसी लगभग 26 सेवाएं सिर्फ ₹35 के शुल्क पर निर्धारित समय सीमा में लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। जनता को इन सेवाओं के लिए भटकना नहीं चाहिए, बल्कि वे लोक सेवा केंद्र का लाभ उठाकर अपना काम करा सकते हैं। लोक सेवा विभाग में ऊर्जा विभाग की 26 सेवाएं दी जाती हैं। 26 सेवाओं में किसी का यदि मीटर खराब है, यदि किसी को नया कनेक्शन करवाना है, किसी को अपना अधिभार बढ़वाना है, इस प्रकार की काफ़ी 26 समय वो हैं सेवाएं हैं हमारे पास। उनमें यदि कोई समस्या आती है तो वो लोक सेवा केंद्र में आके आवेदन लगाएगा, उसका समय सीमा के अंदर निराकरण हो जाएगा। क्या प्रक्रिया रहेगी उसमें? जैसे यदि उसका मीटर खराब है तो उसके लिए एक माने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बतलाते हैं कि उसको अपना बिजली का बिल लाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा। वो लेके आएगा, हमारे यहाँ उसका आवेदन लग जाएगा, उसका 15 दिन के अंदर मीटर चेंज होके नया मीटर उसके यहाँ लग जाएगा। रसीद कितने की कटेगी? ₹35 की ओनली ₹35 में उसको ये सेवा मिल जाएगी। कैसे जानकारी लगेगी 15 दिन बाद? उसके मोबाइल पे उसके मैसेज आएगा, और यदि उसको मोबाइल पे मैसेज नहीं देख पाता है तो जो मैंने उसको रसीद दी है वो रसीद लेके हमारे यहाँ आएगा, उसका निराकरण हो जाएगा, उसकी भी उसको जानकारी दे देंगे अपन।